तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक वॉइड ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो इस वर्ल्ड में कोई एनिमल्स है ना ही कोई रिसोर्सेस, और अगर हम लोग गलती से भी नीचे गिरते हैं तो हम लोग डायरेक्टली मर जाएंगे। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। सो अपना पहला गोल हमारे पेरिस विलेजेस के लिए एक बहुत ही ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपना दूसरा गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ओपी सा घर बनाना, एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करने के बाद एक मैक्स आउट बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन वॉइड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो काफी सारे ट्राइज के बाद फाइनली हम लोग स्पॉन होते एक विलेज के ऊपर, क्योंकि यार हम लोग बार बार वॉइड में स्पॉन हो रहे थे एंड ऐसे ही मर जा रहे थे। देन यार हमें विलेज में काफी सारे विलेजेस एंड बहुत सारे घर और एक पेड़ भी दिख गया। और जैसे कि इस वर्ल्ड में विलेज के सिवा और कुछ भी नहीं था, तो हमने काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जिसपे हम लोग ट्रैवल करेंगे। फिर यार हम लोग को एक चेस्ट भी मिल गया था एंड उसमें थोड़े बहुत ब्रेड्स थे, तो उसको हमने जल्दी से ले लिया। एंड भाई से थोड़े बहुत ब्लॉक्स उधार लेने के बाद मैं चला गया अपने ट्री को माइन करने के लिए। और यार इस वर्ल्ड में कोई भी डर्ट या ग्रास ब्लॉक नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ल्ड का आखिरी ट्री है। फिर भी यार हमने एक सैपलिंग तो यहाँ से कलेक्ट कर ही ली बाय चांस अगर हम लोग को कहीं से डर्ट मिल गया तो। तो यार ट्री को माइन करने से हम लोग को यहाँ पे 5 वुड के लॉक एंड एक सैपलिंग मिल गई थी। तो जल्दी से हमने थोड़े बहुत प्लैंक्स बनाए, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड 2 वुडन के पिकैक्स बना लिए। फिर यार मैंने एक पिकैक्स भाई को भी दे दिया। एंड जैसे कि इस वर्ल्ड में कोई भी कॉबलस्टोन नहीं था, तो हमने विलेजर के घर से ही कॉबलस्टोन को उधार ले लिया। मतलब यार हम लोग बाद में विलेजर को वापस कर देंगे ना। तो भाई विलेज के घरों को लूटने के बाद अपने पास इनफ कॉबलस्टोन हो चुका था, तो जल्दी से हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए। फिर यार मैंने टूल्स भाई को भी दे दिए एंड खुद भी रख लिए, एंड अब अपने पास कम से कम कॉबलस्टोन के टूल्स है। फिर यार इसके बाद बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो हम लोग चले गए सोने के लिए क्योंकि कभी भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं, एंड सुबह को हम लोग चले गए थोड़े बहुत मॉब्स मारने के लिए। देन यार हमें एक और घर दिखा एंड उसमें भी एक चेस्ट था, तो जल्दी से हमने उस चेस्ट को लूटा एंड उसमें बहुत सारे सेब और एक सैपलिंग भी था। अब यार हमें काफी सारे वुड की जरूरत थी, तो इस बार तो हमने पूरे घर को ही लूट लिया। फिर इस घर को तबाह करने के बाद अपने पास हो चुकी थी इनफ वुड, एंड अब हम लोग फाइनली जा सकते हैं अपने उस पिरामिड के पास। तो हमने काफी सारे स्लैब्स बनाए एंड देन हम लोग चले गए डायरेक्टली उस पिरामिड को लूटने के लिए। तो यार हमने सोचा कि उस पिरामिड में हमें बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं, बहुत सारे खाने की चीजें मिल सकती है, एंड यहाँ तक गोल्डन इंचांटेड एप्पल भी मिल सकता है। पर यार जब हम लोग पिरामिड के अंदर पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे एंड उन्होंने TNT को एक्टिवेट करके पूरा लूट को फोड़ दिया था। मतलब यार अपना बैड लक ही खराब है। तो यार हमने पूरे जगह को लाइट अप कर दिया एंड खा लिया, तो चले आए इस पिरामिड के बाहर। तो यार पिरामिड से तो हम लोग को कोई भी लूट नहीं मिली, लेकिन यार विलेज में अभी भी लूट बाकी थी, तो हम लोग चले गए पूरे विलेज को लूटने के लिए। तो यार इस विलेज से हम लोग को बहुत ऑसम लूट मिली, जैसे कि हम लोग को बहुत सारा खाना मिल गया, एक पोटैटो मिल गया एंड हम लोग को एक स्टोन कटर एंड ब्रूइंग स्टैंड मिल गया था। एंड अब तो हमने इस विलेज को भी लूट लिया था और थोड़े बहुत विलेजेस से हमारी उधारी भी थी, तो हम लोग चले गए दूसरे विलेज को तलाश करने के लिए। एंड फिर काफी देर भटकने के बाद हम लोग को फाइनली एक विलेज मिल गया था एंड उसके पास एक शिपरेक भी था, तो जल्दी से हम लोग चले गए उस शिपरेक को लूटने के लिए। और भाई उस शिपरेक में हम लोग को इतना ज्यादा ऑसम लूट मिला, मतलब पहले चेस्ट में हम लोग को काफी सारा कोल एंड बहुत सारा पेपर मिल गया था, दूसरे चेस्ट में हम लोग को थोड़े बहुत फेदर मिल गए थे एंड तीसरे चेस्ट में आयरन था। तो यार इन आयरन से जल्दी से हमने एक बकेट एंड एक शील्ड बना लिया, जैसे कि हम लोग एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना पाए। एंड फिर उसके बाद चले गए इस विलेज के भी चेस्ट को हम लोग बस देखने के लिए। हाँ मतलब बस चेस्ट को हम लोग देखेंगे, लूटेंगे नहीं। तो सबसे पहले चेस्ट में हम लोग को यहाँ पे एक एमरल्ड मिल गया, दूसरे चेस्ट में काफी सारा खाना मिल गया था एंड तीसरे चेस्ट में भी बहुत सारा खाना था। फिर यार हमने एक चेस्ट बनाया, उस चेस्ट के अंदर सारे सामान को रख दिया एंड थोड़े बहुत स्लैब्स बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक एरिया बना दिया जहाँ पे हम लोग चल फिर सके। मतलब यार हम लोग बहुत बड़े नूबड़े हैं ना, और हम लोग कभी भी नीचे गिर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग को इस एरिया की जरूरत है। तो यार अपना जगह तो यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी एंड अपना पूरा सामान को हमने चेस्ट में प्लेस कर दिया था, बट अपने को खाना चाहिए था। तो जितने भी हम लोग को आलू मिले थे उसको हमने स्मेल्ट करने के लिए दे दिया एंड उसके बाद चले गए हम लोग बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के लिए। और ऑब्वियसली यार हम लोग इस वुड को उधार में ले रहे, मतलब बाद में विलेजर को हम लोग वापस लौटा देंगे। क्या मतलब कि हम लोग रोज यही बोलते और कभी भी उनको वापस नहीं करते। तो यार काफी सारे वुड को लूटने उधार लेने के बाद अपना खाना भी यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, तो उसको भी हमने ले लिया। फिर यार अपने पास यहाँ पे एक बकेट तो था पर पानी नहीं था, तो हम लोग चले गए पिछले विलेज में जहाँ पे हमें एक कॉल्ड्रॉन दिखा था। फिर यार विलेज पहुंचने के बाद हमने कॉल्ड्रॉन से पानी ले लिया एंड अब हम लोग को बस एक बकेट ऑफ वाटर चाहिए और अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वाटर होगा। देन घर आने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए एंड सारे ब्लॉक्स को हमने स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हम लोग चले गए अपने पास वाले ब्लैक स्मिथ के घर को लूटने के लिए, क्योंकि इसके घर में लावा भी था और चेस्ट में शायद बहुत अच्छा सामान भी हो सकता है। तो यार सबसे पहले तो हमने इस चेस्ट को ओपन किया एंड इस चेस्ट में बहुत सारे ऑब्सीडियन थे एंड थोड़े बहुत आयरन के आर्मर भी थे। तो यार इसको कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक बकेट ऑफ लावा भी कलेक्ट कर लिया एंड अब हम लोग फाइनली कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस भी मिल गया था, तो उसको भी हमने ले लिया क्योंकि बाद में विलेजर को आर्मर बनाने में काम आएगा। एंड फाइनली रात को हम लोग को एक बुक मिल गया था जो कि लेक्टन बनाने के काम आएगा। फिर यार नेक्स्ट डे की सुबह को हम लोग को यहाँ पे एक जंगल टेंपल मिल गया, तो हम लोग जल्दी से खुश होकर चले गए जंगल टेंपल को लूटने के लिए। पर जब अंदर पहुंचे तो हमें पता चला कि इसके अंदर भी कोई भी लूट नहीं था। मतलब यार लगता है कि अपना बैड लक सच में खराब है।
पर यह जंगल टेम्पल को हम लोग ऐसे ही छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो जंगल टेम्पल के ऊपर हमने यहाँ पे अपना कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया एंड फिर हमने इससे बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन कर लिए। देन यार फाइनली बहुत देर तक कॉबलस्टोन माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे जिसके हमने जल्द से स्लैब्स बना लिए एंड अपने एरिया के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यार अपना फाइनली एरिया बन के हो चुका था रेडी जहाँ पे हम लोग आराम से रह सकते और विलेजेस को भी रख सकते। तो हम लोग चले गए काफी सारे विलेजेस को लाने के लिए। तो यार अपने पहले विलेज में बस एक ही विलेजर था जिसको हम लोग को बहुत ही मेहनत से लाना पड़ा एंड अपने दूसरे विलेज में और एक विलेजर था एंड इन टोटल अपने पास दो विलेजर हो चुके थे। और भाई इन विलेजर को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग थे। तो यार अपने पास अभी उतने मटेरियल नहीं थे जिससे हम लोग इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना पाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फेंसेस बनाए एंड विलेजर्स को उनके अंदर कैप्चर कर लिया। और यार अब जब बाकी घर को लूटने के बाद अपने पास इनफ मटेरियल हो जाएंगे तो इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना लेंगे। तो नेक्स्ट हमने सोचा नेदर में जाने का, क्योंकि नेदर में हम लोग को बहुत सारा वुड मिल सकता है एंड थोड़े बहुत ग्रेवल मिल सकते हैं जिससे हम लोग फ्लेचिंग टेबल बना सके। तो यार अपने पास यहाँ पे 8 ऑब्सीडियन एंड 2 लावा बकेट थे जिससे हमने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया। पर यार हम लोग ये बात तो भूल ही गए थे कि अपने पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है और हम लोग नेदर पोर्टल को भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो यार अब हम लोग को जाना था दूसरे विलेज लूटने के लिए जहाँ पे लावा बकेट हमें मिल सकता है, हम लोग नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब देख रहे हो हम लोग कितने बड़े माइनक्राफ्ट के नूबड़े हैं। तो ऐसे ही काफी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग को और एक ब्लैकस्मिथ का घर मिल गया था एंड इसमें भी एक चेस्ट था एंड उसको भी हमने लूट लिया जहाँ पे हम लोग को थोड़े बहुत और ऑब्सीडियन मिल गए थे एंड फाइनली एक लावा बकेट भी मिल गया। फिर हम लोग डायरेक्टली घर आ गए थे एंड लावा प्लेस करके अपने पोर्टल को एक्टिवेट होने दे दिया एंड फाइनली जस्ट थोड़ी देर के बाद अपना पोर्टल भी एक्टिवेट हो गया था। देन यार विलेजेस से हम लोग को जितना भी आयरन मिला था उससे हमने एक छोटा सा आर्मर बना लिया एंड चले गए नेदर को लूटने के लिए। और अपनी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हम लोग यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट में स्पॉन हुए थे जो कि नेदर का सबसे यूजफुल एंड मोस्ट सेफेस्ट बायोम है एंड यहाँ से हमने बहुत सारे वुड को भी कलेक्ट कर लिया था। फिर हम लोग चले गए लावा के पास थोड़े बहुत ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए एंड हमने काफी सारे ग्रेवल भी कलेक्ट कर लिए। और यार जैसे कि हम लोग के पास अभी उतनी औकात नहीं थी तो हम लोग डायरेक्टली घर वापस आ गए थे ना, अपने पास यहाँ पे 10 ग्रेवल थे। तो यार ग्रेवल को प्लेस करने के बाद हमने थोड़े बहुत फ्लिंट ले लिए। देन हमने यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बना लिया ना, अपने पास बहुत सारे वुड तो थे ही, तो हम लोग चले गए विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए। और यार हम लोग इतनी जल्दी ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारा एमरल्ड चाहिए डायमंड आर्मर ट्रेड करने के लिए। देन यार हमने एक कॉम्पोस्टर लिया, एक विलेजर को फार्मर बनाया एंड हमने काफी सारे इससे ब्रेड ले लिए एंड इनको फीड करवा दिया। एंड अब अपने पास भी बहुत सारे विलेजर्स हैं एंड अपने खाने के लिए बहुत सारा फूड भी है। देन यार हमने यहाँ पे बेड्स भी लगा दिए थे एंड थोड़ी देर के बाद 5 विलेजर एंड एक आयरन गोलम स्पॉन हो गया। और आयरन गोलम का मतलब है कि अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ आयरन होने वाला है। तो हमने एक आयरन गोलम को मारा और आयरन को कलेक्ट कर लिया। हाँ वैसे हमें ये पता है कि आयरन गोलम को मारना गलत बात है, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, आयरन की जरूरत है यार। देन हमने थोड़ी देर तक ऐसे ही करके बहुत सारे आयरन गोलम को मारा एंड काफी सारे आयरन कलेक्ट कर लिए एंड यार जस्ट थोड़ी देर के अंदर अपने पास यहाँ पे 37 आयरन हो चुके थे। और यार इनफ था अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बनाना एंड टूल्स बनाने के लिए। तो जल्द से हम लोग चले गए एंड अपने लिए पूरे आयरन के आर्मर बना लिए और हमने एक और बकेट बना लिया जिसकी हम लोग को बाद में जरूरत ना पड़े। फिर मैंने भाई को भी यहाँ पे आयरन का आर्मर एंड टूल्स दे दिया एंड अब दोनों के पास ही हम लोग के पास आयरन का आर्मर एंड टूल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम बात है। फिर हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और हमने देखा कि विलेज के ऊपर एक वांडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका है। तो जल्दी से हमने विलेजर के साथ थोड़ी बहुत एमरल्ड की ट्रेडिंग कर ली एंड चले गए वांडरिंग ट्रेडर की ट्रेड चेक करने के लिए। तो हमने देखा कि ये वांडरिंग ट्रेडर हम लोग को जंगल सैपलिंग्स दे रहा है जो कि कोई भी काम की नहीं है, लेकिन यार फिर भी हमने 2 सैपलिंग्स ट्रेड कर ली। मतलब यार अगर हम लोग इस सैपलिंग को ग्रो ही नहीं कर सकते तो ये सैपलिंग किस काम की। पर भाई अपने लिए लामा काम का था क्योंकि अपने पास बहुत सारी लेदर की जरूरत थी, तो हमने लामा को मारा और थोड़ी बहुत लेदर कलेक्ट कर लिए। और इस बार तो हमने ट्रेडर को छोड़ दिया, बट अगली बार हम लोग ट्रेडर को मार देंगे। देन यार अब हम लोग को चाहिए था बहुत सारा कॉबलस्टोन एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए, तो हमने काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली थोड़ी देर के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे और हमने यहाँ पे 4 हॉपर भी बना लिए एंड अब हम लोग फाइनली एक्सपी फार्म को बना सकते हैं। तो यार जल्द से हमने अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम काम कर रहा था। मतलब लिटरली हर सेकंड 10 मॉब नीचे गिर रहे थे। और जैसे कि ये इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा था तो हमने बहुत देर तक से मॉब्स को ही मारा। फिर यार इसके बाद हम लोग चले गए नेदर में बहुत सारा वुड कलेक्ट करने के लिए एंड थोड़े बहुत गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। अब भाई वुड हम लोग को इसलिए चाहिए जैसे कि हम लोग विलेजर्स के साथ ट्रेड कर पाए एंड गोल्ड हम लोग को चाहिए गोल्डन एप्पल बनाने के लिए। देन यार फाइनली काफी देर के बाद अपने पास बहुत सारे वुड हो चुके थे जिसको हमने जल्द से स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया एंड हम लोग चले गए विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए। और इस बार भी हमने काफी सारे एमरल्ड्स को ट्रेड कर लिया। तो यार पहले तो हमने सोचा था कि अपने पास डायमंड आर्मर आए एंड देन हम लोग नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, बट अपने पास डायमंड आर्मर आया ही नहीं तो हम लोग चले गए नेदर फोर्ट्रेस को ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए।
अब यार हमें ये पता था कि हम लोग मर भी सकते हैं क्योंकि हमारे जितना बड़ा नूबड़ा कोई है ही नहीं, पर यार फिर भी हम लोग चले गए नेदर फोर्ट्रेस की तरफ एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग को एक फोर्ट्रेस मिल भी गया। तो फोर्ट्रेस में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एडवांसमेंट मिल गया था, देन हम लोग चले गए डायरेक्टली चेस्ट रूम के तरफ एंड हम लोग को चेस्ट में भी बहुत औसम लूट मिल गए। तो अपने को यहाँ पे ऑब्सीडियन एंड यहाँ तक कि डायमंड मिल चुके थे एंड हम लोगों ने थोड़े बहुत यहाँ पे नेदर व्हाट एंड सोल सैंड को भी कलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग चले गए थोड़े बहुत ब्लेज स्पॉनर के पास बहुत सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के लिए, और भाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था और हम लोग बहुत बार मरते मरते बचे हैं। पर यार कैसे भी करके हमने काफ़ी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करके घर वापस आ गए। सो अपने पास यहाँ पे 2 डायमंड थे, 9 ब्लेज रॉड्स थे और 1 सोल सैंड और बहुत सारा नेदर वॉट था। तो हमने यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड एंड ब्लेज पाउडर बना लिए। फिर यार इसके बाद हमें एक ट्रेडर दिख गया था, तो जल्दी से हमने अपने एमरल्ड्स को कलेक्ट किया एंड चले गए ट्रेडर के साथ ट्रेड करने के लिए। और भाई जब हमने इसके साथ ट्रेड की ना, मतलब क्या ही बताऊँ, इसके पास इतनी ज़्यादा ऑसम ट्रेड थी। तो यार इस ट्रेडर के पास था पॉर्जोल एंड पॉर्जोल से हम लोग बना सकते हैं डर्ट, फिर डर्ट से हम लोग यहाँ पे कोर डर्ट बना सकते हैं, ऐसे करके अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ डर्ट होगा। और यार इसका मतलब कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी थे, मतलब ये ट्रेडर हम लोग को पॉर्जोल सेल कर रहा था यार। तो जितने हो सके उतने पॉर्जोल को ट्रेड करने के बाद हम लोग चले गए बहुत सारे ग्रेवल माइन करने के लिए। फिर इनफ ग्रेवल माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, अपने पास बहुत सारे ग्रेवल हो चुके थे। तो यार सबसे पहले हम लोग अपने पॉर्जोल को प्लेस करते हैं, उसको माइन करके डर्ट बना देते हैं एंड देन इसको कोर्स डर्ट बना देते हैं, और फिर यही बिजनेस करके हम लोग बहुत सारा डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग बहुत बड़े अमीर हो जाते हैं। मतलब मजाक कर रहा था यार, अमीर तो नहीं होते लेकिन अपने पास बहुत सारी डर्ट हो जाती है। फिर अपने पास जितने भी कॉबलस्टोन रहते हैं उससे हम लोग कॉबलस्टोन के स्लैब्स बना लेते हैं एंड अब टाइम होता है अपने आइलैंड को एक्सप्लैंड करने का एंड अपने लिए एक बहुत बड़ा ट्री फार्म बनाने का। तो यार अपना ट्री फार्म यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, चूंकि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है क्योंकि यार हम लोग फाइनली अब ट्री ग्रो कर सकते हैं और अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वुड होगा एंड आप ये भी देख सकते हो कि हम लोग कितना ज़्यादा अपना आइलैंड को एक्सपैंड कर देते हैं। फिर यार इसके बाद अपने पास जितने भी एंडर पर्ल रहते हैं उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब टाइम था हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने का। मतलब यार हम लोग अभी एंडर ड्रैगन को तो डिफीट नहीं कर सकते लेकिन यार स्ट्रॉन्ग होल्ड में बहुत ज़्यादा लूट रहती है, हम लोग जा रहे हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। फिर काफ़ी देर ऐसे ही घूमने के बाद हम लोग को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्टल भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहता है क्योंकि हर एक लूट हम लोग के आँख के सामने रहती है। तो सबसे पहले तो हम लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं, उससे हम लोग बहुत सारे लूट कलेक्ट कर लेते हैं एंड काफ़ी सारे बुक शेल्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं स्ट्रॉन्ग पोर्टल में एंड हम लोग स्पॉनर को भी तोड़ देते हैं। और यार जैसे कि हम लोग को अभी स्ट्रॉन्ग पोर्टल को एक्टिवेट नहीं करना था, तो हम लोग चले जाते हैं दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो लाइब्रेरी से तो हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा लूट मिल ही जाता है, जिसको हम लोग जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर हम लोग चले जाते हैं दूसरे चेस्ट को भी लूटने के लिए, जहाँ से हम लोग को बहुत औसम लूट्स मिल जाती है। एंड यार काफ़ी देर एक्सप्लोरेशन के बाद हम लोग डायरेक्टली घर वापस आ जाते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एक एंजॉयमेंट टेबल एंड बहुत सारे बुक शेल्स बना लेते हैं, अपने एंजॉयमेंट टेबल को भी सेटअप कर लेते हैं एंड अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे एंजॉयमेंट। हाँ वो अलग बात है कि अपने पास यहाँ पे लैपिश नहीं है, लेकिन यार अब एंजॉयमेंट तो कर सकते हैं ना। तो यार हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे एंड हम लोग को अपने एक ट्री फार्म में दिख गया एक जॉम्बी विलेजर। तो बहुत ही ध्यान से सारे मॉब्स को मारने के बाद हम लोग जॉम्बी विलेजर को कैप्चर कर लेते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये जॉम्बी विलेजर एक नहीं दो है और अपने पास पोशन बनाने के लिए भी सब चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक वाटर बॉटल कलेक्ट कर लेते हैं, एक शुगर कलेक्ट कर लेते हैं, एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाते हैं एंड पोशन भी बना लेते हैं एंड फिर हम लोग गन पाउडर देके इसको स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल भी बना लेते हैं एंड चले जाते हैं विलेजर को क्योर करने के लिए। देन यार इसके बाद हम लोग इनको पोशंस एंड गोल्डन एप्पल दे देते हैं एंड अब हम लोग को बस थोड़ी देर वेट करना है एंड ये क्योर हो जाएंगे। तो भाई जब तक मैं ये सब काम कर रहा था तब तक भाई ने यहाँ पे एक आयरन गोलम की सेना खड़ी कर दी, मतलब लिटरली जो यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे उसको ये दूर ला रहा था एंड उसी वजह से और आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे एंड इसके सेना को साइड में रखने के बाद अपने विलेजर पे यहाँ पे क्योर हो चुके थे एंड अब हम लोग फाइनली इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक फेंस से कवर कर दिया जैसे कि ये विलेजर भाग ना जाए एंड एक विलेजर को हमने आर्मर एंड दूसरे विलेजर को टूलस्मिथ बना लिया। और भाई अब तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में डील करने वाले हैं और हम लोग बहुत ही इजीली डायमंड का आर्मर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टूल्समिथ के साथ ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि आर्मर तो आर्मर बन ही नहीं रहा था एंड फिर फाइनली आर्मर भी आर्मर बन गया था तो उसके साथ भी हमने ट्रेड कर ली। मतलब आर्मर तो आर्मर बन ही जाएगा, ये विलेजर आर्मर नहीं बन रहा था। हाँ फिर हमने यहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स ट्रेड कर लिया था, फिर मैंने भाई को भी टूल्स एंड आर्मर दे दिए एंड अब अपने पास लिटरली पूरा डायमंड का टूल्स एंड आर्मर है। और यार टेंशन मत करो, इनको हम लोग बाद में इंचेंट कर लेंगे और नेदराइट का भी बना लेंगे। तो यार इसके बाद अपनी वुड की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी तो हम लोग चले गए काफ़ी ज़्यादा वुड चॉप करने के लिए। फिर फाइनली बहुत देर तक वुड चॉप करने के बाद अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे वुड हो चुके थे एंड अपने पास इनफ मटेरियल थे एक ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो जल्दी से हमने ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया।
तो यार अपना ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली यार अपने ट्रेडिंग हॉल के ऊपर साले विलेजर रहते हैं एंड नीचे अपना पूरा सेटअप है, जहाँ पे अपना पूरा स्टोरेज रूम एंड एंजॉयमेंट टेबल है। तो भाई सामने से तो आपने देख ही लिया है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अंदर से दिखाओ तो यहाँ पे अपना पूरा एंजॉयमेंट टेबल है एंड अपना यहाँ पे पूरा स्टोरेज रूम है, जहाँ पे अपना सारा सामान रहता है। और ऊपर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर में एक आयरन गोलम है जो इनको गार्ड कर रहा है गेस, एंड यहाँ पे बहुत सारे विलेजर है, उनके लिए बहुत सारा वर्क स्टेशन है। तो यार आपको ये ट्रेडिंग हॉल कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। तो भाई अपने पास यहाँ पे डायमंड का आर्मर एंड टूल्स तो है, बट अपने पास डायमंड का यहाँ पे स्वॉर्ड ही नहीं है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे ग्राइंडस्टोन ले लेते हैं एंड एक विलेजर को टूल्स विद बना लेते हैं। मतलब वेपन्स में यार समझने की कोशिश करो। फिर बाकी विलेजर्स के साथ भी हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि ये वेपन स्मिथ बहुत ज़्यादा एमराल्ड चार्ज करने वाला है। मतलब यार हमारे हिसाब से इस विलेजर को हमारे ऊपर थोड़ी दया दिखानी चाहिए, यार हम लोग बहुत बड़े गरीब है ना। पर जस्ट कि ये विलेजर बहुत बड़ा लालची है तो ये कोई भी दया नहीं दिखाता और बहुत ज़्यादा ये हम लोग के ऊपर चार्ज करता है। तो फिर भी हम लोग इसके साथ बहुत सारी ट्रेड कर लेते हैं, अपने पास बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे टूल्स भाई को भी दे देता हूँ, मैं भी रख लेता हूँ एंड अब अपने पास डायमंड का पूरा सेट ऑफ टूल्स एंड आर्मर है। और इसी बीच में क्लर्क के साथ भी ट्रेड करके काफ़ी सारे लैपिश भी ले लेता हूँ। फिर यार हम चले जाते हैं बहुत ओपी ओपी इंचैंटमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने आर्मर को डिस्क्राइंड करते हैं एंड देन इंचैंट कर लेते हैं। तो यार अपने इंचैंटमेंट करके यहाँ पे हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहता है। मतलब यार पूरा आर्मर को आप देख सकते हो, अपने आर्मर में प्रोटेक्शन 3 एंड प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ है एंड अनब्रेकिंग लगा हुआ है एंड अपने टूल्स में यहाँ पे एफिशिएंसी एंड शार्पनेस है एंड भाई के एंड मेरे बू में तो यहाँ पे इन्फिनिटी है एंड भाई का स्वॉर्ड में तो यहाँ पे लूटिंग 3 तक है। तो भाई अपने यहाँ पे इंचैंटमेंट तो बहुत ज़्यादा ओपी हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं नेदर को। और यार हम लोग नेदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारे एंडापल चाहिए, जैसे कि हम लोग आई ऑफ एंडा बना पाए एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टल को एक्टिवेट कर सके। एंड यार जैसे कि भाई के स्वॉर्ड में यहाँ पे लूटिंग 3 लगी हुई थी, तो मैंने उससे स्वॉर्ड उधार में ले लिया एंड काफ़ी सारे एंडापल्स ईजिली कलेक्ट कर लिए। तो यार अपने पास इन टोटल यहाँ पे 14 एंडापल थी, मतलब 15 थी, लेकिन भाई ने एक यूज़ कर लिया एंड हम लोगों ने यहाँ पे 9 आई ऑफ एंडा बना लिए। देन इसके बाद हम लोग चले गए अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ पहुँच भी गए थे। फिर इसके बाद हमने अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया एंड हम लोग जा रहे थे एंडर ड्रैगन को इजिली डिफीट करने के लिए। देन यार पोर्टल में घुसने के बाद सबसे पहले तो हमने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुत बड़े तीरंदाज हैं। फिर यार सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने के बाद हमने एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एंडर ड्रैगन को कितना इजीली मार देते हैं एंड इस बार भी हमने बहुत ही ज़्यादा इजीली इसको मार दिया और इसके काफ़ी सारे लेवल्स गिर गए थे, तो हमने इसको कलेक्ट कर लिया। फिर यार इसके बाद हमने इसको एग को भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका एग का बाद में हम लोग घर जाएंगे एंड ऑमलेट बना के खाएंगे। मतलब यार मजाक कर रहा था, ऑमलेट बना के नहीं खाएंगे, हम लोग इसको उबाल के खाने वाले हैं। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने घर वापस एंड अपने पास बहुत सारे विलेजर थे, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा आयरन फार्म बना लिया। तो अपने आयरन फार्म में हमने यहाँ पे विलेजर्स को भी कैप्चर करके रख दिया और भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये विलेजर बहुत ज़्यादा चालू है यार और ये आयरन फार्म के ऊपर जाना ही नहीं खोज रहे थे। पर यार 3 विलेजर को कैसे भी करके हमने कैप्चर कर लिया एंड बाद में जब 5 विलेजर हो जाएंगे ना, तो आयरन फार्म भी काम करने लगेगा। तो यार इसके बाद मॉब फार्म में हमें एक चिकन भी दिख गया था एंड यार अब चिकन मिलने का मतलब है कि हम लोग को इन्फिनिट सोर्स ऑफ फूड मिलते रहेगा। तो जल्दी से हमने यहाँ पे चिकन को कैप्चर कर लिया, उसके लिए एक छोटा सा एरिया बना लिया एंड चिकन को उसके अंदर रख दिया। हाँ वैसे वो अलग बात है कि इसको खिलाने के लिए अपने पास कोई सीड है ही नहीं। तो यार अब हम लोग को चाहिए था मेंडिंग एंड मेंडिंग के लिए चाहिए हम लोग को लेक्टन। तो जल्दी से हम लोग 2 लेक्टन बना लेते हैं एंड चले जाते हैं विलेजर के साथ रेड करने के लिए। और भाई सच बताता हूँ, मेंडिंग मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब पूरी रात हमने यहाँ पे मेहनत की तब जाके हम लोग को फाइनली मेंडिंग मिल गया था। तो यार यहाँ पे मेंडिंग को भी ना ये बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा था, मतलब लिटरली ये विलेजर लूट मचा के रखा था। लेकिन कैसे भी करके हमने 2 मेंडिंग ले ली, मैंने भाई को भी एक मेंडिंग दे दिया एंड मैंने अपने पिकैक्स में भी मेंडिंग लगा लिया एंड अब हम लोग फाइनली जा सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे नेदराइट का भी माइनिंग कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चले गए नेदराइट माइनिंग करने के लिए। काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे 41 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके थे एंड आप देख सकते हो बहुत सारे गोल्ड के नगेट्स भी हो चुके थे। तो जल्दी से सारे नगेट्स को हमने कलेक्ट किया एंड गोल्ड के इनगट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड यार अपने पास काफ़ी सारे अभी गोल्ड के ब्लॉक्स भी हो चुके थे एंड इसका मतलब हम लोग बीकन को भी जल्दी बना सकते हैं। फिर हमने सारे एंशिएंट डेब्रिस को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद अपना पूरा एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया एंड 10 नेदराइट के इनगट बना लिए।
देन 5 ingot मैंने रखे, 5 ingot मैंने भाई को दे दिए एंड अब हम लोग पूरा आर्मर को नेदराइट का कर सकते हैं। तो जल्दी से मैंने पूरा आर्मर एंड अपना पिकैक्स को नेदराइट का कर लिया एंड इसके साथ हम लोग को एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी। एंड यार अब अपने पास फुल्ली एन्चेंटेड मैक्स अराउंड नेदराइट का आर्मर था जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर हम लोग चले गए अपने चिकन को चेक करने के लिए एंड यार इसने 5 अंडे दिए थे एंड सारे मैंने फोड़ दिए एंड इसके आँख के सामने एक भी चिकन नहीं स्पॉन हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। एंड भाई इससे हम लोग ये बात तो समझ गए थे कि चिकन के भरोसे हम लोग रह नहीं सकते, तो हमने छोटा सा यहाँ पे एक एरिया बनाया एंड इसमें हमने एक छोटा सा फार्म बना लिया। एंड अपना ये फार्म होने वाला था पोटैटो का फार्म, क्योंकि पोटैटो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है और काफ़ी देर तक हंगर बार बचाए रखता है। एंड यार अब अपने पास फाइनली एक फूड फार्म था जो कि हम लोग को इन्फिनाइट सोर्स ऑफ खाना दे सकता है। तो यार अब हम लोग को चाहिए था बीकन एंड बीकन पाने के लिए हम लोग को विदर डिफीट करना पड़ेगा। तो हम लोग चले गए जल्दी फोर्ट्रेस में बहुत सारे स्कल्स कलेक्ट करने के लिए। और यार बहुत सारे क्या, हम तो एक स्कल भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब लिटरली यार इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी हमने विदर स्केलेटन्स को डिफीट करना स्टार्ट कर दिया एंड काफ़ी देर तक इनको मारते रहे। फिर फाइनली बहुत देर तक विदर स्केलेटन्स को डिफीट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 3 skulls मिल चुके थे जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम थे। एंड जस्ट कि हम लोग अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे तो हम लोग चले गए एंड में यहाँ पे विदर को हमने स्पॉन कर दिया एंड चले गए इससे फाइट करने के लिए। और हमें पता है कि इसको हम लोग ट्रिक से भी मार सकते हैं, लेकिन यार ट्रिक से मारने का उतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना इसको एक्चुअली में मारने का है। और भाई यही वाली बात बहुत ज़्यादा हमें महंगी पड़ गई थी, क्योंकि हम लोग इसके साथ बहुत देर तक फाइट कर रहे थे लेकिन ये मर ही नहीं रहा था। बट फाइनली बहुत देर तक इसको फाइट करने के बाद, बहुत देर तक मारने के बाद ये फाइनली मर गया एंड इसने यहाँ पे नेदर स्टार को भी ड्रॉप कर दिया था। एंड अब हम लोग फाइनली अपना बीकन बना सकते हैं। फिर हम लोग चले गए जल्दी से अपने घर वापस। हमने अपने लाइब्रेरी के साथ थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रेडिंग की एंड ये हम लोग को ग्लासेस दे रहा था, तो जल्दी हमने बहुत सारे ग्लासेस भी ट्रेड कर लिए। देन इसके बाद हम लोग गए अपने चेस्ट रूम एंड हमने यहाँ पे एक बीकन भी बना लिया। पर यार अपने पास अभी उतने सारे भी ब्लॉक्स नहीं हुए थे जिससे हम लोग पूरा मैक्स आउट बीकन बना सके, तो हमने बीकन का आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया। तो अपने सारे पोटैटो यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पोटैटोस को भी हार्वेस्ट कर दिया देन इनको रीप्लांट भी कर दिया। एंड एक बार फिर से हम लोग का वुड के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो गया था, तो हमने बहुत सारे वुड यहाँ पे चॉप कर लिए। फाइनली इनफ वुड चॉप करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड हो चुके थे, तो हमने जल्दी से अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब आप सामने से देख ही सकते हो ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एंड यार अगर आपको मैं साइड से भी दिखाऊं तो ये इतना ही ज़्यादा सुंदर है। तो साइड में अपना यहाँ पे एक फर्नेंस रूम है जहाँ पे हम लोग पूरे सामान को स्मेल्ट करते हैं। एंड सामने से अगर आप देखोगे तो पहला रूम में हम लोग अपना थोड़ा बहुत बेडरूम बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सोते हैं। एंड साइड में अपना एक वॉशरूम भी है जिसको हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। एंड अपने पास ऊपर में भी यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे हम लोग आराम से चिल करते हैं एंड अपना बैल्कनी है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को बाकी आगे क्या करना चाहिए। तो यार आपको ये घर कैसा लगा, इंटेंट में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। देन भाई इतने देर के बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली अपने आयरन फार्म को चेक करने के लिए। एंड यार ये इतना ज़्यादा ऑसम काम कर रहा था कि इसमें काफ़ी सारे आयरन कलेक्ट हो चुके हैं, तो हम लोग जल्दी से काफ़ी सारे यहाँ पे आयरन के ब्लॉक्स बना लेते हैं एंड गोल्ड आयरन ब्लॉक्स मिला के हम लोग अपना पूरा बीकन बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना बीकन के पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, हम लोग रीजनरेशन एंड स्पीड लेते हैं। एंड यार लिटरली बीकन होने की वजह से हम लोग को बहुत बड़ा अपग्रेड मिलता है, क्योंकि अब हम लोग को कभी भी डैमेज नहीं होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो चुके हैं। तो यार ऐसे अपने 100 days हो जाते हैं कंप्लीट। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड ये सब वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है।